हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल और आप लोग देख रहे हैं सुहेल टेक प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से यूट्यूब के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, जिस तरह के मैं अपने लिए बनाता हूं। तो आज सेम इसी तरह मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान है बनाने। इसके लिए आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए, अडोब फोटोशॉप। तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। देन बनाते हैं थंबनेल। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। यह जी मेरे पास सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद जो एक ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो अब एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि यह एक वेबसाइट है remove.bg। इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर डाल के उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं विद वन क्लिक। तो आपको अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो इसके लिए इसको जो है नाम इसका जो है वो याद कर लें। दैन सिंपली यहाँ से अपने फोटोशॉप में फाइल पर जाना और यहाँ से न्यू फाइल, दैन यहाँ से साइज सेलेक्ट करना है, सॉरी 1920x1080। यह जी यूट्यूब का जो थंबनेल है उसका साइज़ है 1920x1080। मतलब इसकी जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल होनी चाहिए और जो हाइट है वो 1080 पिक्सल होनी चाहिए। देन आपने यहाँ से रेजोल्यूशन कोई भी रख सकते हैं, 72 मैं यहाँ से 300 रख लेता हूँ। देन यहाँ से ओके। तो ये जी हमारे पास उसका साइज़ आ गया यूट्यूब के थंबनेल का। सिंपली यहाँ से फाइल पर दोबारा क्लिक करना और ओपन पर क्लिक करना है। और अभी जो मेरी फाइल्स पड़ी हुई थी, हाँ ये, तो यह पिक्चर जो मैंने अभी आपको रिमूव करना बताया वहाँ उसी वेबसाइट से आपने पिक्चर अपनी डालनी है और उसको जो है बैकग्राउंड उसका रिमूव कर लेना है सिंपली। वैसे तो ये बैकग्राउंड फोटोशॉप पे भी रिमूव हो जाता है, लेकिन उस पर आपको फिर थोड़ा टाइम लगेगा। देन यहाँ से सिंपली इसको ओपन करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया। देन यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, देन कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लिया और इसको यहाँ पर ला कर जो है वो रख दिया। अब सबसे पहले जो है इसका बैकग्राउंड बना लेते हैं न्यू लेयर ली। देन यहाँ से सबसे पहले बास्केट लेयर कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर दिया। देन इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, यहाँ से एफएक्स पे जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले इस पर क्लिक करना है। देन फिर यहाँ पर ये ग्रेडियंट आपको बाहर नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ। कलर आपने सेलेक्ट कर लेना आपको जो उनसे भी अच्छा लगता होगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको यहाँ से रेडिकल जो है स्केल इसका फुल कर देना और यहाँ से जो इसका स्टाइल है उसको रेडिकल भी कर देना। उससे ये होगा कि जो लाइट वाला कलर होगा वो बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आएगा और जो डार्क है वो साइडों पर तो एक ग्लोस आएगा। देन यहाँ पर जहाँ पर आपको अच्छा लगता है सेलेक्ट करके देन ओके कर देना। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो भी एक सेकेंड के लिए मैं हाइड करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर बार लेता हूँ। यहाँ से इसका कलर जो है वो ब्लैक, देन इसको एडजस्ट कर लेना अभी इतना। देन इसके ऊपर टाइप करना है हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क। देन इसका जो साइज है थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी, मतलब ये इधर काफ़ी छोटा लग रहा है, हालांकि जो रेक्टेंगुलर बार है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए मैं एक मेरे पास एक फॉन्ट है बीबस न्यू के नाम से, तो ये आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाएगा। तो इसको आपने जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। देन आप थोड़ी सी जगह पर जो है हेडिंग बड़ी करके लिख सकते हैं। ये देखें पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की है, मतलब देखने में आप अच्छी लग रही है। देन यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसका कोई भी कलर रख सकते हैं। रेड का रखना है रेड रख ले, येलो रखना है तो येलो रख ले, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ से ब्लू रख लेता हूँ आई थिंक, ठीक है ब्लू ही, यहाँ से ब्लू रख लिया मैंने। देन ये था जी मेरी पिक्चर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ आई थिंक यहाँ पे बेस्ट लग रही है। इसके अलावा दो पिक्चर्स और भी थी। देन यहाँ से फिर से फाइल पे क्लिक करना और ओपन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से दोनों को एक ही बार में सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया। अब इसको फिर से कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, देन कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ से मेन फाइल पर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। देन इसका कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ जो है वो शिफ्ट प्रेस करके मैं छोटा कर लेता हूँ।
शिफ्ट से ये होगा कि साइज़ इसका जो मेन एक्चुअल में इसकी जो शक्ल है वो बिगड़ेगी नहीं। अगर मैं इसको शिफ्ट के बगैर करता हूँ तो ये देखें आप, मतलब जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी वो डिस्टर्ब हो गई है। देन मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको जो है वो छोटा बड़ा करूँगा। देन ये हमारे पास कंप्यूटर है हमारा, इसको भी कंट्रोल ए से सेलेक्ट आल किया, फिर उसी तरह से कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर आके कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। अब इसके पीछे आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, इसको किस तरह से रिमूव करना है, यहाँ से ये आपको मैजिक वैन टूल नज़र आ रहा होगा, इसको आपने सिंपली वाइट एरिया पे क्लिक करना है जो आपने रिमूव करना है। देन यहाँ से सिंपली डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देना तो आपका रिमूव हो जाएगा। देन इसको भी कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ ही है हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर उर्दू टाइप करते हैं जी। तो ये है जी, उर्दू लिख लिया, लेकिन अब ये काफ़ी अजीब सी लग रही है। तो यहाँ से सिंपली आके मैं जो है फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू में, जमील नूरी नस्तलीक या फिर अलवी नस्तलीक। ये है जी जमील नूरी नस्तलीक। आप देखें पहले किस तरह का लग रहा था, अब किस तरह का लग रहा है। एक मिनट में कलर जो है इसका वो ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखें आप, मतलब पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपने जो है वो उर्दू अपनी एडजस्ट कर लेनी है। देन जो है ये थी जी हमारी हार्ड डिस्क। तो देन यहाँ से शेप पे आना है, शेप से कस्टम शेप पे आना है और यहाँ से एरो सेलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला एरो सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। इसको कंट्रोल टी प्रेस किया सबसे पहले, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ फ्लिप ओरिजेंटल। देन इसको इस तरह और कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा मेन पीसी है, इसको अगर ग्लो वगैरह देना है यहाँ से आउटर ग्लो पे क्लिक करना है, यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है किस कलर में आपने इसको ग्लो देना है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ से इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो वो देखें आप, बैकग्राउंड पे इसके ग्लो आ गया। तो उसको मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ या फिर फुल येलो, आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है, फुल येलो है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी फुल करते हैं और अगर इसको आपने ज़्यादा देना है यहाँ से साइज इसका आपने बढ़ाते जाना है, जितना आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपने छोड़ कर तो यहाँ से ओके क्लिक कर देना है। इसी तरह अगर आपने हार्ड डिस्क को भी ग्लो देना है, देन यहाँ से हार्ड डिस्क की शेप पे क्लिक करना है, यहाँ से एफ एक्स पे क्लिक करना है और देन आउटर ग्लो। उसी तरह से यहाँ से जो पहले स्क्रीन पे होगा इसको नॉर्मल पे कर लेना है। देन यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है येलो, ओके। देन यहाँ से इसका भी जो साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रहा होगा लेकिन ग्लो जो है इस पर लग चुका है। यहाँ से आप देखें अगर कलर चेंज करके मैं आपको दिखाऊँ तो आई थिंक ठीक है, ओके। तो ये आपका जो थंबनेल था वो बन चुका है। इसके अलावा अगर आपने जो आपकी अपनी शेप है इसको आपने स्ट्रोक वगैरह देना है या इसके पीछे भी आउटर ग्लो लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ से नॉर्मल पे। देन यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से साइज जो है इसका थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये जी पिक्चर के बैक पे भी जो है आउटर ग्लो लग चुका है। तो इसके अलावा अगर आपने हार्ड डिस्क का साइज वगैरह थोड़ा सा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था जी थंबनेल बनाने का तरीका, वो बन चुका है। तो अब इसको सेव किस तरह से करना है, सिंपली यहाँ से फाइल पर क्लिक करना है, देन इसको सेव एज और यहाँ से जो फाइल का फॉर्मेट है इसको आपने जेपैक कर लेना है। जेपैक कर सकते हैं या पीएनजी कर सकते हैं, जो सा आपको बेटर लगे। मैं यहाँ से जेपैक पे करता हूँ। देन आपने जो सा फाइल का नाम रखना है वो रख सकते हैं, मैं यहाँ से इसका नाम जो है न्यू थंबनेल रखता हूँ। देन यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया, देन ओके। तो यहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ था। तो ये है जी हमारा न्यू थंबनेल बन के आ चुका है।
तो ये है जी, चेक कर सकते हैं आप हमारा न्यू थंबनेल किस तरह का, जिस तरह के मैं मतलब अपने चैनल के बनाता हूँ उस तरह का मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।